साइनस, साइनस एक तरह का जो प्रदूषण है, ढोल कम है, जिसमें विषाणु है, इस वजह से साइनस ज्यादा होती है। किसी किसी को बुखार भी आ जाती है, सर्दी खांसी के रूप में नाक से पानी बहते रहते हैं, नाक का जो रास्ता है ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है और धीरे धीरे नाक के अंदर की विकास रास्ता बंद कर देता है। ऑपरेशन उसका होता है, ऑपरेशन करने के बाद कुछ सालों तक ठीक रहता है, फिर इसके बाद में रास्ता आपको होना शुरू होता है, सांस में रुकावट आती है, सांस फूलती है, खांसी होता है, ये सही है। इसके लिए ठंडी चीज और खट्टी चीज से हमेशा के ज्यादा परहेज रखना चाहिए। इससे पहले मैंने ये ट्रिप अपना डाला था साइनस के विषय में, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 50,000 से तो लोगों ने इसका फायदा उठाया। आज उसी चीज को फिर से मैं पुनर्वृत्ति कर रहा हूं, क्या इसका फायदा फिर से लिया जाए। इसका एक सप्ताह का जो खुराक है वो मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरह से व्यवहार में लाना चाहिए, सेवन करना चाहिए। 25 दाने गोल मिर्च, काली मिर्च जिसे कहते हैं, वो ले लें और उसको बारीक पीस लें। 1 चम्मच हल्दी ले लें, उसको मिश्रण करें। अदरक ले लें 50 ग्राम, उसको मिश्रण करें। तुलसी का पत्ता 50 गिन करके उसको ले मिश्रण करें। नमक ले लें 1 चम्मच, उसको उसमें मिश्रण करें। साथ में एक पत्ता आता है जिसका नाम है हसीना और पारिजात, दोनों रूप में मिलता है, दोनों नाम है इसका, और इन नर्सरी में मिलता जाते हैं। सरसों को मिलते हैं शहरों में है, गांव में सब जगह हसीना का पत्ता मिलता है, और इन सबों को पानी में एक साथ उबाल लें, शीशे के बर्तन में उबाल के छान के रख लें। 1 लीटर में बनाना है तो उसको आधा लीटर उबाल करके आधा लीटर जब बच जाए तो छान के उबाल करके रख लें और 2 चम्मच 2 चम्मच शाम को पिए। पीने के पहले उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, इससे साइनस निश्चित रूप से 100% समाप्त हो जाती है। साथ में आपका फ्रेज का आइटम जो भी है, ठंडी वस्तु, ठंडी पदार्थ, खट्टी चीज, इससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे। रास्ते में जहां धूल ज्यादा हो तो नाक बंद कर लिया करें, रुमाल डाल लिया करें, ये बचने का तरीका है, इससे साइनस ठीक रहती है। आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, हर्बल के विषय में जानकारी चाहते हैं, हर्बल के माध्यम से अपना उपचार चाहते हैं जिससे आपकी बीमारी का निदान हो जाए, तो आप अवश्य मुझसे हर्बल से रोग निदान करने के लिए संपर्क कर सकते हैं और मैं उसकी विधि और व्यवस्था कैसे करनी चाहिए वो मैं बता सकता हूँ।